नवादा में लगातार दूसरे दिन भी जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है। लगातार दूसरे दिन नवादा में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में धर्मेंद्र यादव उर्फ धरो, भूषण राजवंशी और शिवशंकर यादव उर्फ प्रीति शामिल हैं। दूसरे दिन 3 मौत होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है, लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र की हालत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। धर्मेंद्र के इलाज के दौरान सदर अस्पताल में पुर्जे पर अल्कोहल का जिक्र किया गया। वहीं धर्मेंद्र की मौत के बाद पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से धर्मेंद्र की मौत हुई है। वहीं सदर अस्पताल में फिलहाल 5 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। एक शख्स की शराब पीने से आंख की रोशनी गायब हो गई है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले बुधवार को कथित रूप से जहरीली शराब से 9 लोगों की मौत की खबर मिली थी। इसके बाद नवादा में शराबबंदी कानून की पोल खुल गई। अधिकारियों की नाक के नीचे इतना बड़ा हादसा हो गया, लापरवाही की हद रही कि एक एक कर शव को जलवा दिया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी समय से नहीं पहुंचा। समय रहते अधिकारी गांव पहुंच जाते तो शवों का पोस्टमार्टम कराया जा सकता था, जिससे मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सकती थी। सभी मृतक नगर थाना क्षेत्र के भदौनी पंचायत के रहने वाले हैं। मृतकों में शामिल खरीदी बीघा के दिनेश उर्फ शक्ति की पत्नी प्रियंका और बहन रेखा ने शराब पीने से मौत की बात कही है। प्रियंका ने बताया कि पति बीमार नहीं थे, उन्होंने शराब पी थी, इससे ही मौत हुई है। हालांकि जिले के DM और SP ने पहले घटना के प्रति अनभिज्ञता जाहिर की, फिर कहा कि जांच कराई जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।